गेट लॉस्ट। गुड मॉर्निंग गाइस, या फिर गुड इवनिंग, मतलब जिस भी टाइम ये ब्लॉग अपलोड हो जाए। तो आज मैं वहाँ बहुत तगड़ा वाला लेट, क्योंकि बहुत देर रात तक मैं एडिटिंग में बैठा हुआ था एंड एडिटिंग खत्म करते करते बहुत रात हो चुकी थी, तो मुझे उठने में बहुत ही तगड़ा वाला लेट हो चुका है। तो पहले हम लोग अभी पी लेते सुबह की चाय एंड उसके बाद मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। फाइनली चाय पीने के बाद मैं अभी निकल चुका हूँ दुकान के लिए। वहाँ पर जाके मैं लव को कॉल करूँगा, क्योंकि उसने मुझे आज सुबह जगा दिया। थोड़ा एक्साइटेड होकर मुझे कॉल किया कि कहाँ पर हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी सोया हुआ हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, उठने के साथ साथ मुझे कॉल करना। तो कल मैं इस मोबाइल के स्टडी मोड के बारे में बात कर रहा था। इसमें एक वीडियो स्टडी मोड का ऑप्शन है, तो ये है वीडियो स्टडी मोड ऑन करने के बाद टच का रिजल्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टेडी है। क्योंकि जनरली जब भी मैं इधर से गाड़ी चला के जाता हूँ, फिर वो काफ़ी ज़्यादा शेकी आता है, जिसका मैं एक एग्जांपल दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये है स्टेडी मोड के बिना, जो कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा शेकी है। बट जैसे मैं स्टेडी मोड ऑन करता हूँ, वो वापस स्टेबल हो जाता है। एक और बार मैं स्टेडी मोड ऑन करके दिखाता हूँ। सो ये रहा स्टेडी मोड, वापस मैंने इसको ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हो कि ये फुटेज काफ़ी ज़्यादा भी स्टेबल हो चुका। Why doing my photo? I'm not so beautiful. सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोगों के दुकान में। एंड दुकान में पहुंचने के साथ साथ मुझे दर्शन हुआ इसका। अभी कल का बर्थडे पार्टी क्या हुआ? शानदार। हम लोग नहीं थे, इसलिए तो शानदार था। हे, गेट लॉस्ट तोड़ के हाथ में दे देंगे वो। तुम तो ऐसे भी लेते हो। तो अभी मैं लव को फ़ोन कर लेता हूँ, उसने सुबह सुबह मेरे को क्यों जगाया। हेलो। हाँ, क्या हुआ, तुमने सुबह सुबह कॉल क्यों किया था? ऐसे कॉल किया था, मेरा मर्जी मेरा मन। ये कॉल करके तुमने मुझे जगा दिया? हाँ, ये तो मेरा काम है। कहाँ पर हो? मेरा ऑटो बना रहा हूँ, खराब हो गया। ओ, तुम्हारे मालिक ने तुमको ऑटो बना के दिया? मैंने खुद बनाया। So sad. Sad में sad क्या है? वो शब्द मेरे जिंदगी में नहीं है। दिख रहा है तुम्हारे गानों में, दिख रहा है। कब आ रहे हो? कब पकड़ लीजिए, गाड़ी बनाने के लिए एक घंटा लगेगा, 3 बजे तक घुस जाऊंगा। वहाँ 3-5 बजे बजते है। काटो फोन, काटो। क्यों काटो, मैंने थोड़ी किया फोन। हट हट। तो फाइनली प्लान ये हुआ है कि मैं अभी ये वाला व्लॉग एडिट करने के बाद मैं जाऊंगा थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि ये नया वाला फ़ोन का कवर मैंने अब तक चढ़ाया नहीं है। एंड मेरे साथ अब तक जो मतलब इंसिडेंट हो चुका है, उसके बाद से मुझे अभी काफ़ी ज़्यादा डर सा लगने लग गया है। तो मैं इमीडिएटली इसके ऊपर कवर चढ़ाने वाला हूँ। तो ये वाला व्लॉग मतलब आपको जो कल दिख चुका है, वो वाला व्लॉग मैं अभी एडिट कर रहा हूँ। वो एडिट करने के साथ साथ मैं जाऊँगा बाज़ार। बाज़ार जाने के बाद इस पर कवर चढ़ा के हम लोग जाएंगे घर। एंड शाम को आने वाला है क्लाइंट, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसका भी कुछ फुटेजेस मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि रिकॉर्डिंग एंड शूट वोट कैसे चल रहा है स्टूडियो पर। तो व्लॉग एडिट करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया एंड ऑलरेडी लंच का टाइम हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल बाज़ार जाने का प्लानिंग स्किप करते हैं, पहले घर में जाते हैं, दबा लेते हैं खाना एंड उसके बाद हम लोग क्लाइंट के आने के पहले पहले ही मैं मोबाइल का कवर खरीद के वापस स्टूडियो में आ जाऊँगा। फिलहाल तो यही प्लान है। तो लंच वंच करने के बाद मैं आ चुका हूँ मार्केट की ओर। कल मैंने जहाँ पर कार पार्क किया, तो वहीं पर मैंने कार को पार्क करके रखा हुआ है एंड मैं वेट कर रहा हूँ लव का। एंड लव का टाइमिंग स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, मतलब उसका टाइम इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ है कि अगर मुझे उसे 4 बजे बुलाना होता तो मैं उसको बोलता कि तू 3 बजे आ जाओ, ताकि वो 4 बजे के अंदर घुस जाए। तो फिलहाल वेट करते हैं उसका एंड जैसे वो आता है मैं चलता हूँ मार्केट की ओर। एंड मार्केट में जाके हम लोग खरीदेंगे मेरे मोबाइल का कवर एंड कवर खरीदने के बाद चलेंगे स्टूडियो में एंड स्टूडियो में आएगा क्लाइंट एंड क्लाइंट आने के बाद उसका चलेगा शूट। तो बहुत ही टायरिंग सा होने वाला है, लेकिन चलो सह लेंगे थोड़ा सा। क्या क्या अनबॉक्सिंग? तो हुआ ये कि हम लोग मार्केट में गए, वहां पर व्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पाए क्योंकि मुझे शर्म आती है। तो या मोबाइल का कवर हम लोगों ने खरीद लिया एंड उसके साथ साथ
एक और चीज़ आ गया विच इज दिस वन. यह है एक पोर्टेबल सा साउंड, क्या बोलते हैं इसको, बार बोलते हैं ना, साउंड बार या फिर कुछ भी हो तो हाँ ये साउंड बॉक्स है, एक पोर्टेबल साउंड बॉक्स है. इसका आवाज़ बहुत ही तगड़ा है. मैं एक सैंपल मैं दिखा देता हूँ. साउंड जो खुद का गाना बजा लेता है ना तो कॉपीराइट लग जाएगा. और दीका बारिश गाना था ना, लोगों का भरोसा नहीं है आजकल के लोगों, भरोसे वाले ही बन जाते हैं. इसको बीप करना पड़ेगा. एक्चुअली व्लॉग में हम लोगों को बहुत ही सभ्य तरीके से व्यवहार करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोगों का असली रूप अगर YouTube पे दिख गया तो हम लोगों का चैनल डिलीट हो जाएगा. 12 तारीख को रिलीज हो रहा है ना, 12 तारीख को रिलीज होगा. फिलहाल अभी चलेंगे हम लोग स्टूडियो. हम लोग का क्लाइंट उधर में आने वाला है एंड उसका अभी शूट होगा. तो चलिए दिखाते हैं हम लोग के रिकॉर्डिंग और शूट का प्रोसेस एक और बार. हमारा जो सिंगर है, सिंगर आ चुका है. नाम बता दो. और थोड़ा सा छोटा नाम नहीं हो, इतना बड़ा नाम रखा है, नवीन कुमार दे. लव ने पिछले वाले व्लॉग में, मतलब दो दिन पहले जो व्लॉग जो आया था शूटिंग का, उसमें बोला था कि मेरी तो कोई है ही नहीं. अच्छा लव, अभी कंटिन्यूअसली किसका मैसेज आया जा रहा था? कौन फ्रेंड है मेरा? एक बार खोल के दिखाओ, एक बार वो मैसेज चैट खोल के दिखाओ तो. फ्रेंड है मेरा बोला ना. अरे ठीक है, चैट खोल के दिखाओ. क्यों, तुम्हारा फ्रेंड है तो फ्रेंड का चैट. मैं तो मेरे फोन में देख लो तुम फ्रेंड का चैट. हम तो देख सकते, दिखा सकते. बहुत अच्छा दोस्त है, अच्छी दोस्त. कितनी अच्छी दोस्त है? बहुत. कितनी लेवल शूटिंग वूटिंग चलता रहेगा, लेकिन चाय हमेशा रहना चाहिए. बिना चाय के जिंदगी नहीं है. कैमरा ऑन होते ही तुम ऐसा क्यों हो जाते हो? अजीब हैं हमेशा. सो ये है नवीन कुमार दे. ये रेगुलरली हमारे चैनल से गाना देते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है. और ये है उनके पापा. एंड ये है मतलब कोई छोड़. लव इधर बैठ के अभी ये लो एंगल शॉट लेने वाला है सबसे पहले. एंड पूरा तो गाना इसमें शायद दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें नहीं तो कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाएगा. तो फर्स्ट शॉट वाज ओके. एंड सेकंड शॉट में हम लोग थोड़ा सा डार्क लेने वाले हैं. एंड ये पीछे का बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रेडियंट आ रहा है. ये इस कैमरा में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब फाइनल आउटपुट निकल जाएगा तो उसमें समझ में आएगा. थोड़ा बहुत ऐसा टाइप का आएगा शॉट. ये प्रोसेसिंग के बाद और ज़्यादा उठने वाला है. दो शॉट्स के बाद अभी फाइनल वाला शॉट होने वाला है, जो लव लेने वाला है. लव लेने वाला है ऐसे करके. ऊपर का मौसम कैसा है? ऊपर का मौसम तो बहुत रिक्सी है भैया. लोगों को लग सकता है कि मैं इसको चराता हूँ, लेकिन ये खुद से चरा हुआ है अपनी मर्जी से. बोलो, अपनी मर्जी से तुम चराए हो? ठीक है, मैंने चला तो मैं गिराता हूँ. नहीं, आप तो मेरा भाई है, आप तो मेरा जान है, ऐसा मत कीजिए. ठीक है, तो चलो लास्ट वाला शॉट ले लेते हैं इधर से. रेडी? अरे नवीन, फुल टाइम इधर में देखना है. एंड जैसे ही टॉप टक्कर वाला लाइन आएगा, तब उस साइड में कैमरा की तरफ देख के
लव को बोलना है यो बेबी यो मा टॉप टकर। ओके सो फाइनली गाइस हम लोगों का शूट रिकॉर्डिंग सारा कुछ खत्म हो गया एंड आज का दिन सच में बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया एंड आज बस खत्म कर दो ये दिन आज किसी भी तरह। अभी कितना बजा है? 10 बज रहा है अभी, रात के 10 तो बज गए। हाँ 10 बज गए तो ऑलरेडी हम लोग बहुत ही ज्यादा थके हुए हैं। झट से याद आया कि ब्लॉग तो हम लोगों ने एंड किया ही नहीं है तो यहाँ पर अभी रास्ते में रुक के हम लोग अभी ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। एंड अगर पसंद आया तो फिर लाइक करना, कमेंट करना नीचे में कि आपको ऐसे ब्लॉग्स और देखने हैं कि नहीं देखने हैं। एंड या पिछले वाले ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच कि इतने कम सब्सक्राइबर्स ने भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया। एंड पता है इस वाले चैनल को, हमारे मेन चैनल को भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग कल व्लॉग करेंगे या फिर नहीं करेंगे देख लेते हैं, लेकिन करेंगे तो जरूर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।